सिंघानिया तेरा सब कुछ हो गया, खोल खोल के समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मास्टर जी की आंखों में नफरत बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। जी में आता सबको छोड़ के वाकई चला जाना से। जा तो रहे थे, फिर हम सबको स्टेशन से वापस क्यों ले आए? मैं बताती हूं, तुम्हारा दिल नहीं माना, तुम्हारे जमीर ने रोका तुम्हें। सच बात तो यह है कि तुमसे मास्टर जी और उनके परिवार का दुख नहीं देखा जाता। अरे जरा जाकर उनके दिल से पूछो कि वो ये दुख कैसे सह रहे हैं। उन्होंने अपना जवान बेटा खोया है देव, वो बेटा जिसकी मौत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम भी हो। तुम्हें मास्टर जी की नफरत बर्दाश्त करनी पड़ेगी देव, उनके प्यार की, उनकी ममता की कीमत चुकानी पड़ेगी जो तुमने उनसे छीनी है। वो देव जिसे मैंने जाना है, जिसे मैंने समझा है, जिसे मैंने चाहा है, वो देव कभी नहीं टूट सकता। शर्मिली, तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक बार पूछा था, जब भी तुम मेरे करीब आती हो, मुझे छूती हो, तो मुझे कुछ होता है या नहीं? हाँ, और तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं होता। मैंने झूठ बोला था। आप फिर से तो कहना राजा। सिंघानिया साहब कहाँ है? कर क्या रहे हैं सिंघानिया साहब? अरे गूंगा हो गया, बोलता क्यों नहीं है? सिंघानिया साहब, आप जो कुछ भी कर रहे हो उसे बंद कर दो, खोल खोल के जल्दी आओ। क्या बात है लाला, क्या उधर मचा रखी है? दो टिकट लेकर आया हूं मैं हरिद्वार की, एक फर्स्ट क्लास की और एक थर्ड क्लास की। चलो चलते हैं तीर्थ यात्रा पे, खोल खोल। बकवास बंद कर, ये टेढ़ी मेरी बात छोड़, सीधा बोल। तो सीधी बात ये है सेठ जी कि वो दोनों शहरी लड़के आपके लिए बहुत टेढ़े हैं। जब तक वो दोनों गाँव में है, बदलापुर आपका हो ही नहीं सकता। तोल तोल के होगा लाला,
जरूर होगा। उस गांव पर कानूनन हक मेरा था, जो मेरे बड़े भाई सूरज प्रताप सिंह ने उस औरत सुलक्षणा की शिकायत पर मुझसे छीन लिया, जो आज उस स्कूल मास्टर की बीवी बनी है। नहीं, तुम नहीं जानते लाला, आज भी जब उस हादसे का ख्याल आता है तो मुझे चैन की नींद नहीं आती। तुम तो जानते हो कि उन गांव वालों ने मेरे साथ क्या सुलूक किया था। जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। आपका सर मुंडवाकर, मुंह काला करके, गधे पे बिठाकर, सड़े हुए टमाटर अंडे फेंक कर, पागल कुत्ते की तरह मार मार कर आपको बदलापुर गांव से बाहर फेंक दिया था खोल खोल के। लेकिन एक बात तुझे नहीं मालूम लाला, उसी रात मैं बदलापुर गांव वापस आया था। ये कुल्हाड़ी तू देख रहा है लाला, ये वही कुल्हाड़ी है। अगली बार अगर खाली हाथ तू मेरे पास कोई मनहूस खबर लेकर आया तो फिर से यही कुल्हाड़ी मेरे हाथ में होगी। और